वसुख आशीष मांगी, गाहे तब जय गाथा। नेशन न्यूज देख रहा मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए इस वक्त हम रेलवे चांदबारी मैदान में मौजूद हैं और आपको बता दें कि समाज सेवी राजीव कुमार यादव उर्फ गुड्डू यादव, जिनका हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान रहता है और झाझा में ऐतिहासिक बहुमत से जीत का परचम लहराने वाले चेयरमैन संजय कुमार यादव ने आज पिता काटकर इस प्रांगण में रेलवे चांदबारी मैदान के प्रांगण में एक दिवसीय क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया है। दुमका और झाझा के बीच ये मैच होना है। हालांकि देखिए आज राजीव यादव उर्फ गुड्डू यादव ने झाझा का जो मेन मार्केट है पीहर चौक के पास वहां पर भी झंडोत्तोलन किया, चेयरमैन संजय कुमार यादव ने नगर परिषद में भी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि झाझा वासियों की एक उम्मीद, एक आशा और एक आकर्षण जो था वो इन दोनों भाइयों के प्रति नजर आ रहा था, चाहे वो आगामी समय का आगाज करने वाला हो या फिर जो आप समझ सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस को लेकर हजारों की तादाद में उपस्थित नगर परिषद में भीड़ ने इस बात का स्वयं मतलब साक्षी बनकर ये बता दिया, प्रदर्शित कर दिया कि इन दोनों भाइयों से झाझा वासियों की अपेक्षाएं जो है वो बढ़ चढ़कर है। हालांकि संजय कुमार यादव और राजीव यादव गुड्डू यादव ने दोनों भाइयों ने साफ तौर पर कहा कि झाझा वासियों की जो भी अपेक्षाएं हैं उसे हम भरसक पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ अब बातें निकल कर आई, देखिए हमारे खास रिपोर्ट। चेयरमैन संजय यादव हमारे साथ जुड़े। सर, ऐतिहासिक जीत का परचम लहराने के बाद आज पहली बार झंडोत्तोलन आपने किया है नगर परिषद में, हजारों की तादाद में भीड़ थी, कई सारी अपेक्षाएं नजर आई होंगी और एक भीड़ का आकर्षण जो था वो आपकी ओर केंद्रित था, इसको लेकर क्या कहेंगे झाझा वासियों? देखिए सबसे पहले तो झाझा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं और झाझा की जनता जो हमसे उम्मीद की है हम उससे ज्यादा करने का कोशिश करेंगे। और ये स्टेशन क्लब बहुत पुराना क्लब है और यहाँ के जो भी अमित जी हैं, शशि जी हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं और बराबर यहाँ मैच कराते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। समाज सेवी राजीव यादव गुड्डू यादव हमारे साथ जुड़े। सर, धूप कड़कड़ाती हुई है और ऐसे में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप और चेयरमैन साहब दोनों ही उत्साहवर्धन के लिए खिलाड़ियों का आए, स्वयं पिच पर मौजूद है, क्या कहेंगे? हर्ष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई स्वतंत्रता दिवस की और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे झाझा नगर वासियों को और प्रखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। ये स्टेशन क्लब का तो खेल कूद में इतिहास बहुत पुराना है, अभी चूंकि ये कुछ दिन से निष्क्रिय पड़ गया था, लेकिन आजकल के जो युवा हैं अमित जी, शशि जी, ये लोग जो है इसको पुनर्जीवित किए हैं और ये आप तो देखे ही हैं, शायद आप इस टर्फ विकेट का जब उद्घाटन हो रहा था तो आप आए थे, ये बहुत मेहनत से इस टर्फ गेट को बनाया गया है, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर से मट्टी ला करके ये लोग मेहनत करके बनाया है, जिसका कोई भी सरकारी संगठन इसको सहयोग नहीं किया, ये लोग अपने मार्फत सामाजिक सहयोग से इसको बढ़ाए काम कर रहे हैं और ये लोग खेल की दिशा में बहुत अग्रसर कदम उठा रहे हैं, खेल को झाझा में पुनर्जीवित कर रहे हैं स्टेशन क्लब के माध्यम से। इनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा कि ये जो है इतने भीड़ में, इतने धूप में इतना खेल रहे हैं ये लोग और ये लोग झाझा के लिए नया संदेश दे रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय झाझा। आज 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस है, आज क्रिकेट मैच का उद्घाटन करवाया आपने, क्या कुछ बातें हैं? 15 अगस्त के शुभ अवसर पर रेलवे स्टेशन क्लब झाझा और दुमका के बीच ये मैच खेला जा रहा है जो एक दिवसीय है। ये 9 बजे से स्टार्ट हुआ और अभी चल रहा है कंटिन्यू। फर्स्ट इनिंग स्टेशन क्लब टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 110 रन बना लिए और 15 ओवर और बाकी। इस अवसर पर हमारे माननीय भैया संजय यादव जी आए हुए हैं जो उद्घाटन किए और माननीय गुड्डू भैया राजीव रंजन यादव जी जो आए हुए उद्घाटन करने के लिए इस मौके पर।